फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी जब आप कर लेंगे तो उसके बाद कौन कौन से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो आपके पास अवेलेबल रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि एजुकेशन से रिलेटेड सभी वीडियो सबसे पहले जो है वो आपके पास आ जाए। फ्रेंड्स, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी जो कोर्स है उसके बारे में जो है वो मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी जो कोर्स होता है वो क्या होता है, उस कोर्स में जो है वो कंटेंट क्या क्या होते हैं। आज का जो ये वीडियो रहेगा उसमें एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद जो गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल होती है उसके ऊपर जो है वो रहेगा। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो रिक्रूटमेंट एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद होता है उस पर जो है वो फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की जो अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा जो सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर में वो है कि जो आप टीचिंग जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद आपको जो है वो फ्रेंड्स क्या करना होगा कि आप जो है वो स्कूल टीचिंग जो है उसमें भी जा सकते हैं। और अगर आपने जो है वो सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया है, लाइफ साइंस के थ्रू अगर आप सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप जो है वो फ्रेंड्स कॉलेज टीचिंग जो है उसमें भी एंटर हो सकते हैं। आप जो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो एग्जाम दे सकते हैं और अगर आपको उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो आप रिक्रूट हो सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स जो एक ऑन एन एवरेज आपको 55,000 से 70,000 तक जो सैलरी है वो उसमें मिलेगी। तो एक बहुत ही अच्छा जो सेक्टर है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद जो जॉब में जाने के लिए वो है टीचिंग का प्रोफेशन। तो जो कि बहुत ही रेस्पेक्टफुल जॉब है और जिसमें आप जो आपकी एजुकेशन है उससे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो फ्रेंड्स जो है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद जो है वो बहुत सारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो पद होता है उसके लिए जो है वो रिक्रूटमेंट निकालती है। ये कई सारी एजेंसीज ग्रुप बी के लिए और बहुत सारी एजेंसीज ग्रुप सी के लिए जो है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है उसका रिक्रूटमेंट जो है वो निकालते हैं। तो उसके लिए आपको जो है वो फ्रेंड्स जो है वो एक एग्जाम क्लियर करना होगा और एग्जाम करने के बाद जो है वो आपको इंटरव्यू प्रोसेस होगा और उसके बाद जो है वो आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो बन जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर आप जो है वो गवर्नमेंट जो एग्जाम क्लियर करके बनते हैं तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी सैलरी जो है वो आपकी रहेगी। ऑन एन एवरेज जो है वो आपको 50,000 से 60,000 जो है वो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी जिसमें बाद में बहुत ही अच्छे प्रमोशन होने के बाद आपको पे एंड पर्क्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद अगर हम जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो आप जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है उसका एग्जाम क्लियर करके आप जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो बन सकते हो। फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो भी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है और इसमें भी आपको जो है वो एक बहुत ही अच्छा लगभग 60,000 से 80,000 जो है उसकी स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है और उसके अलावा बहुत सारे जो ल्यूक्रेटिव जो आपको जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी जो है वो इसमें मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट की जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो है वो रिसर्च एसोसिएट्स के लिए, इसके अलावा जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए लगातार जो है वो रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं। तो आप जो है वो वहां पर भी अप्लाई करके जो है वो आपको इसमें सैलरी लगभग जो है वो 35,000 से 45,000 जो है उसके बीच में मिलेगी, लेकिन इसमें आपको जो है वो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है जिसमें आप जो है वो 1 ईयर 2 ईयर जो है वो करके अगर आप आगे पीएचडी के लिए जाते हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा वहां पर जो है वो यूजफुल रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बहुत सारे जो स्टेट्स होते हैं अपने अपने जो है वो एग्जाम करवाते हैं पैथोलॉजी जो उनकी लैब्स होती है, इसके अलावा उनकी माइक्रोबायोलॉजी लैब्स होती है, वहां पर जो है वो हर स्टेट जो है वो अपना अपना जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके थ्रू एग्जाम्स करवाते हैं और आप उन एग्जाम्स को क्लियर करके जो है वो लैब में जो है वो एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट या एज ए क्वालिटी कंट्रोल जो है वो आप एनालिस्ट जो है वो वहां पर काम कर सकते हैं। तो ये जो है वो फ्रेंड्स मेनली हमने गवर्नमेंट सेक्टर की बात की। इसके अलावा भी जो है वो बहुत सारी लैब्स में भी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी जो है उनका रिक्रूटमेंट होता है और बहुत सारे जो है वो फूड से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है वहां पर भी जो है वो डिमांड जो है वो लगातार बनी रहती है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद। वहीं अगर जो है वो हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की
तो फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्टर जो है वहां पर भी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की जो है वो बहुत अच्छी डिमांड्स होती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा फ्रेंड्स की जो डिमांड होती है वो ज्यादातर मेट्रो सिटीज जो है उसमें आपको जॉब जो है वो मिलेगी। जो मिड और स्मॉल टाउन सिटीज है वहां पे आपको जो है वो इतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप एक छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो अपना शहर छोड़कर मेट्रो जो है उसमें जाना पड़ेगा इनिशियल एक्सपीरियंस जो है वो आपको लेने के लिए। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी जो सेक्टर्स हैं प्राइवेट सेक्टर्स जो कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी को रिक्रूट करते हैं तो उसमें फ्रेंड्स बहुत ही लंबी लिस्ट है। जैसे कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज होती है, फूड से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है, डेयरी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है, और जो ऐसी कंपनी जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो है उस पर काम कर रही है, ऐसी कंपनी जो कि जो है वो माइक्रोब्स की जो स्टडी है उस पर काम कर रही है, ये सभी जो कंपनियां होती है ये एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट जो उनको रिक्रूट करते हैं। अभी आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी जो है उसमें उसके आने के बाद जो है वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की डिमांड और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब जो है वो नए नए वायरस जो है वो कौन से आ रहे हैं उन सभी की स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और उन पर हायर रिसर्च करने के लिए बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज जो है वो अपना फंड दे रही है। तो इससे आने वाले समय में जो है वो मुझे ऐसा उम्मीद है फ्रेंड्स कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी इसकी बहुत डिमांड इंडिया में और अब्रॉड में जो है वो होने वाली है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई में तो आप अगर अभी 12th में हैं या बीएससी में हैं तो अपनी कमर कस लीजिए आगे एमएससी और पीएचडी करने के लिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आने वाला है। तो हमने जो है वो प्राइवेट सेक्टर की हम बात कर रहे थे, तो ये जो कंपनीज हैं ये सभी जो कंपनीज है वो रिक्रूट करेगी। और यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर की तुलना में, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट में सैलरी कम ही मिलेगी स्टार्टिंग में, लेकिन आप जो है वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी सैलरी को जो है वो बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी लगभग आपकी रहेगी 20,000 से लेकर 30,000 जो है उसके बीच में। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक चीज जो है वो क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर चुके हैं तो आप जो है वो सीएसआईआर नेट का एग्जाम जरूर दीजिए, जो कि लाइफ साइंस जो है वो उसके थ्रू आपको देना होगा। क्योंकि अगर आप सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स तो आपको जो है वो लगभग 35,000 से 40,000 फेलोशिप हर मंथ जो है वो आपको मिलेगी पीएचडी करने के लिए। तो अगर आप जो है वो लगभग पीएचडी में आपको 5 साल का समय लगेगा, आप अगर पीएचडी कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी में तो बहुत ही अच्छा कैरियर जो है वो आपके सामने अवेलेबल रहेगा। तो मैं ये भी एक जो है वो अपने स्टूडेंट से जरूर कहूंगा कि आप जो है वो सीएसआईआर का एग्जाम क्लियर करके पीएचडी की तरफ भी सोचिए, क्योंकि आपको जो है वो लगभग जॉब जितनी सैलरी यहां पर मिल जाएगी और आपकी जो पीएचडी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड जो है वो हमने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद जो है वो जॉब्स और पीएचडी के बारे में भी आपको मैंने थोड़ा बता दिया कि उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज किस किस तरीके से रहेगी। तो यही सब जो है वो हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप कि ये आपके लिए जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा, जिससे कि आप जो है वो अगला अपना जो डिसीजन है वो आपको लेने में हेल्प मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।